Yes, today, children, I will discuss basis of classification. In previous day, I discussed how classification helps and father of taxonomy, Linnaeus, and today, basis of classification. अब इसका पहले ये हम लोग जानेंगे कि टैक्सोनॉमी, पहले ये देखेंगे कि टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी हम लोगों को क्या चीज़ बताता है, कौन सा चीज़ है जो टैक्सोनॉमी हमें मदद करता है। तो टैक्सोनॉमी डील्स विद नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। Nomenclature means naming of the organism. उस दिन हम बताए थे आपको कि genus और species होता है। किसी भी scientific name में दो चीज involved है, वो है genus और species। तो ये कहलाता है nomenclature of naming the organism. The correct name of an organism is determined following some scientific rule. कोई जो correct name है किसी भी organism का, वो determine होता है some scientific rule से. Then identification. वहाँ पे identification is carried out for an organism to determine its similarity with an already known organism. किसी भी unknown organism को जब हम लोग identify करते हैं तो किसी known के साथ उसको comparison करके identification हम लोग करते हैं। The simple assigning an organism to particular taxonomic group. उसके बाद आता है classification. Classification में क्या होता है कि arrangement of organism or group of organism into categories according to systematic plan. The categories used in classification are known. Are kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. ये category हुआ. More than 10 million organisms are present on the earth and no two individuals are alike, not even identical twins. अब यहां देखो कि जब twin भी क्या है, आइडेंटिकल ट्विंग जो है वो भी एक जैसा इंडिविजुअल, वो एक जैसा वो नहीं है. दिस लिविंग फॉर्म वेरी इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इटीसी. द वेरिएशन इन दियर अपीयरेंस, बॉडी डिजाइन एंड बिहेवियर फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. In order to classify, taxonomists select interrelated characteristics starting from the nature of the cell. तो ये जो classification हुआ ये पहले nature के अनुसार, nature of the cell, उसका cell का nature क्या है, यहां से start हुआ. अब देखोगे यहां, फॉलोइंग आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट फ्रॉम दैट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. आर द ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स? तो पहला जो स्टार्ट होता है किसी भी क्लासिफिकेशन का, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट.
इट इज ऑल टू नोन व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एंड ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल पाथवे एंड फंक्शन फ्रॉम यूकैरियोटिक. दिस रिजल्ट इन द वेरिएशन इन देयर बेसिक बॉडी डिजाइन. तो पहले हम लोग देख लिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है. इसके अनुसार हमने किसी ऑर्गेनिज्म को प्लेस्ड अंडर प्रोकैरियोट्स और अंडर यूकैरियोट्स में हम लोगों ने रखा. दूसरा, आर दी ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू सिंथेसाइजिंग फूड और दे आर डिपेंड ऑन अदर. अब यहाँ पे दूसरा क्या हुआ कि हम लोग ये देखते हैं कि वो सिंथेसाइज फूड को सिंथेसाइज कर सकता है या नहीं. देयर विल ए वेरिएशन इन दियर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन दियर एबिलिटी टू मेक दियर ऑन फूड और एक्वायर इट. दूसरा हम लोग देखते हैं कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है या दूसरे पे डिपेंड रहता है. व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एमंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. तो ये ऑलरेडी प्लांट है. आर देयर सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एमंग द एनिमल. हाउ डू दिस बॉडी पार्ट डेवलप. वी विल ऑब्जर्व ए हेरिटरी इन द एबव क्वेश्चन. अब टैक्सोनॉमिक हेरिटरी क्या हुआ. इन टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गिवन एन एप्रोप्रिएट प्लेस इन ए सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क ऑफ द क्लासिफिकेशन. द फ्रेमवर्क बाय विच टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की. जैसे इन एनिमल और प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म में द लोअर कैटेगरी इज स्पीसीज एंड द हाइएस्ट इज किंगडम. द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू दिस कैटेगरी. तो यहाँ से स्टार्ट क्या हुआ, स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास एंड फाइलम इज डिटरमाइंड बाय द सिमिलर कैरेक्टर्स एंड देयर रिलेशनशिप. यहाँ हम लोग लोअर से जा रहे हैं यानी स्पीसीज से स्टार्ट होकर किंगडम तक आ रहा है. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन. टू बिगिन विथ लीनियस इन 1758 डिवाइडेड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम. लीनियस ने 1758 को जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को बांटा प्लांट एंड एनिमल्स में बाय द करेक्टिक फ्यूचर बाय द सम स्पेसिफिक करेक्टिक फ्यूचर. प्लांट्स एंड एनिमल सीम्ड शो ऑब्वियसली डिफरेंट दैट दिस अपीयर टू ए वेरी लॉजिकल वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे हम प्लांट और एनिमल में इन्होंने बांटा तो क्या हुआ, जनरल सिम्टम लिया कि प्लांट्स प्रिपेयर दियर ऑन फूड वेयर एज एनिमल डू नॉट प्रिपेयर दियर ऑन फूड. उसके बाद प्लांट सेल वॉल से कवर्ड है जबकि एनिमल जो है वो सेल वॉल उसमें नहीं है. However, with time, biologists started finding it more and more difficult to follow the system because some microorganisms showed character of both plants and animals. अब इस लीनियस ने एक थ्योरी बनाया कि जो भाई जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसको हम लोग प्लांट बोलेंगे, जो अपना नहीं बनाता हो उसको एनिमल बोलेंगे.
जिसका बॉडी सेल वॉल से ढका है, कवर्ड है, उसको प्लांट सेल बनाए बताया, और जिसका बॉडी प्लांट सेल से ढका हुआ नहीं है उसको हम लोग एनिमल सेल बताए। अब इस चीज को लेके जब साइंटिस्ट चले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिनमें ये दोनों करैक्टर, बोथ करैक्टर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड कुड नॉट बी प्लेस्ड क्लियरली इन आइदर किंगडम। यहाँ पे किंगडम दोनों में से, जब दोनों का कैरेक्टर दो चीज दो में है, प्लांट और एनिमल में, तो डिस्टिंग्विश करना बड़ा ही प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए थर्ड किंगडम निकाला पोटिस्टा। अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में एक तीसरा बनाया पोटिस्टा, ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, ऑल यूनिसेलुलर एनिमल वेयर प्लेस्ड इन दिस किंगडम। तो पहला प्लांट और एनिमल में बटा, उसके बाद एक नया आ गया प्रोटेस्टा। तो प्रोटेस्टा को जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल और प्लांट हैं उन सभी को प्रोटेस्टा में लिखा। देन टू सुपर किंगडम वेयर क्रिएटेड, वन फॉर प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग ट्रू न्यूक्लियस, एंड द अदर फॉर यूकैरियोट्स और ऑल ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। द प्रीफिक्सेस सुपर एंड सब आर ऑफन यूज्ड टू डिवाइड और ज्वाइन द ग्रुप किंगडम, फाइलम, मैंने किंगडम हुआ, फाइलम हुआ, क्लास हुआ, ऑर्डर हुआ, फैमिली हुआ, ऐसे इसने बांट दिया। अंडर द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, द सुपर किंगडम प्रोकैरियोट्स इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखा। इट हैज ओनली वन किंगडम अंडर इट, द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज कॉल्ड मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया बट कैन फोटोसिंथेसाइज लाइक प्लांट। द सर्टेन ऑफ द किंगडम मोनेरा did not solve all the problem। अब मोनेरा बनने के बाद भी सारा प्रॉब्लम हल हो गया ऐसा नहीं है। अब क्या किया, वहाँ क्या हुआ कि फंगी जो है एक नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। लाइक बैक्टीरिया दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज बट दे आर यूकैरियोट्स। They could neither be placed in Monera nor in Protista, which now include photosynthesizing algae. A new kingdom was then created for fungi. Robert Whittaker in 1969 is created with the certain of the kingdom Monera and fungi. The five kingdom of Monera, Protista, fungi, plant and animalia includes all organism except virus। virus जो है उसको हटाकर जितने भी living organism है उन सभी को five kingdom में रखा, जो monera, protista, fungi, plant and animalia कहलाया। इसका मतलब क्या हुआ कि रॉबर्ट व्हाइटकर जो है 1969 में जो क्लासिफिकेशन क्रिएट किया वो सबसे एप्रोप्रिएट है एंड सर्वमान्य है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वायरस जो तुम लोग 8 में पढ़े होगे कि वायरस इज नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म,
because they are non-cellular. A virus is just a byte of DNA or RNA inside a covering of protein. वो सिर्फ DNA और RNA है जो प्रोटीन से ढका है. The kingdom Monera falls under the super kingdom Prokaryota. The other four kingdoms fall under the super kingdom Eukaryota. यानी द किंगडम मोनेरा, मोनेरा को सुपर किंगडम में रखा प्रोकैरियोटा में, और द अदर चार किंगडम जो है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल, इसको अंडर सुपर किंगडम में रखा यूकैरियोट्स, यूकैरियोटा में. तो सबसे इसमें अप्रोप्रिएट हुआ रॉबर्ट व्हाइटकर का, जो जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग हैं, वो सभी को फाइव किंगडम में रख दिया एक्सेप्ट वायरस. तो नेक्स्ट टाइम इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिस वर्ड्स को आपको याद करना होगा, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो मैं आपको लिखा दूंगा. ठीक है, चलो.